यह तेज रोशनी दीपावली के पटाखों की नहीं बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही बयां करती एक ट्रांसफार्मर की है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बसहा गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे वोल्टेज हाई हो गया और करीब 200 घरों में लगे पंखे, बल्ब व अन्य इलेक्ट्रिकरण समेत कई सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान बिजली का स्विच बंद करने गई एक महिला की करंट लगने से मौत भी हो गई। मृतका की पहचान बसहा गांव के शंभूराय की पत्नी आशा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह ट्रांसफार्मर पूरी तरह पेड़ और लत्ती से ढक गया था, जिस कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट लगा और भीषण आग लग गई। शनिवार की देर रात का यह मंजर काफी खौफनाक था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, सिर पर मौत नाच रही थी। ऐसा दृश्य शायद ही किसी ने देखा हो। किसी को पंखे में लगती आग दिखाई पड़ी तो किसी को तार जलने का धुआं महसूस हुआ। रात में कोई ट्रांसफार्मर पर 11,000 कनेक्ट होकर कम से कम 200 लोग के घर में आग लग गया, बोर्ड में, पंखा में, सब बड़ा बड़ा मुड़ा। तो हमारा भी लड़का भी जगाया सबको पूरा घर में, थी सोई हुई थी इस घर में, उठ के गया इधर का जो हम देखते हैं तो चला गया बाबूजी वाला रूम में। अब स्विच को दावा ना तो गिर गया स्विच, हम बोर्ड को अच्छी गर्दा लेके मुझाए तो आग मुझा गया, ही गिर गया, फिर बोला नहीं कुछ, उसको गिरा ही रह गया। बिजली विभाग तो फोन किए, फोन नहीं उठाया, वो तो मोथी में क्या है बंदूक अथी वाला पावर हाउस में किया तो बंद किया, वो भी आधा घंटा एक घंटा के बाद। मैं अभी राजपट्टी प्रखंड के बसहा पश्चिमी पंचायत में रात शॉर्ट सर्किट से रात आग लग गई, उससे एक महिला की मृत्यु भी हो गई। 200 से 300 परिवार के घर में शॉर्ट सर्किट के से पंखा, टीवी, फ्रिज जो था सामग्री सब जल गया। आज अभी हम लोग आए हैं, हम तो यहाँ नहीं थे, सूचना मिली अभी आए हैं। बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी नहीं है, बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनसे वार्ता भी हुई थी, उनको रात में अगर शॉर्ट सर्किट से जाए लगा तो रात में ही आना चाहिए, जो संबंधित पदाधिकारी है से रात में नहीं आए तो सुबह में आए। अभी जिला अधिकारी के कहने के बावजूद बिजली विभाग के जो अधिकारी है, बिजली के स्कूटी जो है, SDO है, वो लोग अब आ रहे हैं। हम जिला पदाधिकारी से भी मांग करते हैं, जो बिजली विभाग के संबंधित पदाधिकारी है वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जनता के लिए जो प्रतिनिधि हो या सरकारी नौकर हो, सरकारी नौकरी जो करते हैं वो जनता के हित के लिए बनाया गया है, न कि उनको वेतन लेने के लिए बनाया गया है। और सभी अधिकारी जो है अभी तक बिजली विभाग से संबंधित जो अधिकारी नहीं आए, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के PSC प्रभारी सभी लोग आए हैं, लेकिन बिजली से संबंधित दुर्घटना हुई बिजली के एक भी अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। और हमको कहता 24 घंटा हो गया, 24 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन एक बिजली के अधिकारी यहाँ पर नहीं आए। यहाँ सब लोग के बीच बिजली भी नहीं जा रही है, घर में बिजली बूम है। सीतामढ़ी लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप फेसबुक खोलेंगे, सर्च बॉक्स में जाकर SITAMARHILIVE सीतामढ़ी लाइव टाइप करेंगे। सबसे ऊपर में आपको पीले रंग का सीतामढ़ी लाइव का फेसबुक पेज नज़र आएगा, जिसे खोलकर आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। थैंक यू।